नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे थे ललन टॉप की चुनाव यात्रा। और ललन टॉप की टीम मोती इस वक्त पहुंच चुकी है गुना के चाचौड़ा विधानसभा में, जहां से दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं इस बार और बीजेपी से विधायक हैं ममता मीना। यहां के लोगों से बात करते हैं क्या चुनावी माहौल है इस बार, क्या मुद्दे यहां के। क्या नाम है आपका? शिवनारायण मीना। ममता मीना और लक्ष्मण सिंह, हाँ, दोनों लोग आमने सामने, ममता मीना विधायक हैं, हाँ, कौन बेहतर है इस बार? दोनों की टक्कर है, मतलब रावत। अच्छा, कांटे की टक्कर है, कोई भी निकल सकता है। अच्छा, अभी दिग्विजय सिंह थोड़ी देर पहले एक रैली करने आए थे यहाँ पे, आप लोग नहीं गए? गए थे। हाँ, क्या कुछ मतलब का बोले आप? हाँ, उनकी मतलब जो समस्याएं वो बताई कि किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। आप क्या करते हैं? और मजदूर लोग परेशान है। और आप क्या करते हैं? मैं खेती करवाता हूँ। खेती करते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार 15 साल से है, वो बड़ी बात करते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, इतना हमने दिया उतना किसी ने नहीं दिया। क्या किया है? ये बता रहा हूँ कि जो मतलब जो करोड़पति आदमी उन पर CBI गिराने के बाद जो उनसे खरीद ले जाते हैं माल, खजाने में जमा करते हैं, 25% किसानों को बांट रहे हैं, उसी में से गिरेगा, कौन बांट रहा है बता दो। अच्छा, दिग्विजय सिंह की रैली आप देखने गए, दिग्विजय सिंह के 15 साल पहले का याद है आपको? क्या माहौल था उस वक्त जब उमा भारती चुनाव लड़ी थी, मिस्टर बंटा थार का नाम दिया? मोटर फ्री की किसने? दिग्विजय सिंह जी ने। और 5-5 मोटर एक एक व्यक्ति की चली, उस पर 10 साल तक कोई भी मतलब पैसा लेने नहीं आया। तो ये भी तो संबल योजना लाए हैं, 200 रुपये में बिजली है। क्या शिवराज भी तो संबल योजना लाए हैं ना, 200 रुपये में लाए, लेकिन उस पर जो टैक्स लगा बिजली की, मतलब जो पेलेंटी लगी, वो पेलेंटी इतनी लगा दी कि किसान दे ही नहीं पा रहा है उसको। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा ओंकार घोसी। क्या करते हैं? हलवाई गिरी। हाँ, आप बता रहे दिग्विजय सिंह के बारे में, नहीं उस वक्त याद है आपको? याद है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। कुछ नहीं किया। शिवराज सिंह ने किया, जो किया है। क्या किया है? मकान बनवा दिया, शौचालय बनवा दिए, सब बनवा दिए, उसने कुछ नहीं किया। दिग्विजय सिंह जो किया था ना, वो वादे नहीं निभा उसने। क्या वादे किए थे उसने? किया था लाइट फ्री देंगे, सब दिए, लेकिन लाइट हमारी मतलब 8,000 रुपये हमको गरीबन को और भुगतना पड़ी हमको गृह से उस वक्त। हाँ, नहीं हमको नहीं, हाँ हमको और खुद ही भुगतना पड़ी। अभी रैली में गए थे क्या? जो नहीं आए, हमारे रिश्तेदार आए थे, उधर चले गए थे, उसकी मनी गए। क्या नाम भैया आपका? जी बबलू चंदेल। यहीं रहने वाले हैं? हाँ, चाचौड़ा के। हाँ, चाचौड़ा। तो ममता मीना और लक्ष्मण सिंह दोनों आमने सामने हैं, दिग्विजय सिंह के भाई हैं वो, और वो विधायक हैं आपके। हाँ। तो विधायक दिन कुछ काम किया है कि नहीं किया? नहीं किया है उन्होंने काम। हाँ। क्या किया है? बहुत सारे काम किए हैं। बताइए, गिनती बताइए, कौन कौन से काम बताइए। क्या नाम है आपका? खुशपाल सिंह मीना। क्या करते हैं? खेती करते हैं। बताइए क्या काम किया? हमारा पार्वती का पुल बनवाया बहमाबाद में। हाँ, और विद्युत मंडल का भी बहुत काम किया, 33,000 KV का। और ये कुमराज से जो रोड निकली है सानी मराकवास होते हुए, वो रोड का निर्माण किया उन्होंने। हाँ, लक्ष्मण सिंह इस बार इतना बड़ा नाम उनके सामने आ गया, क्या लगता है चुनाव में उसका असर होगा कुछ? चुनाव में कोई ये कह नहीं सकते कि असर होगा कि नहीं होगा, वो तो मतदान के बाद ही पता चलेगा कि किसका। फिर भी एक माहौल आप लोग देखते समझते होंगे ना, आप लोग लोकल, मैं तो बाहर से आया हूँ तो मैं लोकल माहौल समझने आया हूँ कि लोकल आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? हमें तो जो मुद्दा नज़र आ रहा है वो हमारे समीप है, जो ममता मीना जी है उनके समर्थन में हम, और क्या उन्हें वोट। अच्छा, पिछली बार विधायक कांग्रेस से कौन थे यहाँ पे? मीना ही कोई थे क्या? नाम नारायण जी मीना जी। नारायण जी मीना, उनको क्यों हरवा दिया था? उनको इसलिए हरवाया गया कि वो आम जनता से बोले भेंट भी नहीं होती थी उनकी, और विकास भी कम होता था। और दिग्विजय सिंह अभी कह रहे थे कि मीना, वो जो आप जिनका नाम बताया, वो बहुत उन्होंने काम किया था, ममता मीना को सामने उतरना नहीं था उनका। हमें ऐसा कोई काम नज़र आया ही नहीं जो हमें देख पाए हम वो काम। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम हजारी लाल। क्या करते हैं? मैं ठेकेदारी करता था, अब तो बंद कर दिया सब कुछ। अच्छा, 15 साल पहले दिग्विजय शासन आपने देखा होगा? हाँ, देखा ना। तब से अब में क्या अंतर आया है? बहुत अंतर है। कहाँ? अरे यार, तेरी बात थोड़ी कर रहे हैं। क्या अंतर आया? क्या अंतर आया? 70 रुपए का केल 100 रुपए किलो बिक रहा है, 60 रुपए किलो का पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिक रहा है, क्या अंतर आया है? क्या अंतर आया? ये अंतर नहीं दिख रहा? तुमने तो ठीक बात है, आपके पास सुनिए, हवाई जहाज खरीदी
काम जब जब सुनिए अरे लड़िए मत सुनिए 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 लड़िए मत आराम से सुनिए सुनिए शांत हो जाए यार शांत हो जाओ शांत हो जाओ। बच्चों को तुम्हें पाल के परवाह नहीं किया कांग्रेस नहीं इंदिरा सरकार इंदिरा सरकार नहीं आई होती इंदिरा सरकार नहीं आई होती अगर सुनिए शांत हो एक मिनट शांत हो सब लोग अगर आप लोग चिल्लाएंगे तो मैं बंद कर दूंगा एक एक करके सबके सुन लेता हूँ बताइए अभी अभी बहुत चिल अभी बहुत चिल्ला रहे थे आप शांत हो गए देखो कांग्रेस को ये झूठा गिनाते हैं और जब चुनाव आता है तब राम मुद्दा उठाते हैं आई समझ में घोषणा बहुत करते हैं घोषणा वीर है ना जैसे हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री उसकी घोषणा कौन सी घोषणा की थी जो पूरी नहीं हुई क्षेत्र बताइए बहुत सारी घोषणा नहीं हुई उसने जो नहीं जैसे मान लो लाडली योजना लाया लाडली योजना किसकी चली है जो झंडा बैनर उठा रहा है नहीं वो उसमें जुड़ा बीजेपी से उसी व्यक्ति की लड़कियों का नाम मिलेगा किसी और आम जनता का देखवा दे नाम उसमें किसका नहीं है नाम बताओ अरे आप बारा मेरी मेरी बात ध्यान दो मैं जा रहा हूँ अरे तुम कह देना आपसे उम्र उम्र पे ज्यादा है ना उनकी ज्यादा बात सुन लीजिए बताइए बोलिए फिर आप क्या बहुत गलत कुछ नहीं किया आप सुनिए आप बोलते रहे कमेंट्री चल लेके यहां पे हर आदमी को बोल हां बताइए हां साहब अब और सुन लूंगा मैं एक एक करके बोलिए मगर देखो अब ऐसा है जो दिखा नहीं वो तो बताना पड़ेगा चुनाव बताइए ममता मीना है और लक्ष्मण सिंह उनके सामने आ गए हैं किसका माहौल भारी दिख रहा है माहौल तो कांग्रेस का ही भारी रहेगा भारी रहेगा हाँ नहीं रहेगा कांग्रेस को नहीं रहेगा कांग्रेस का नहीं रहेगा एक तरफा हराएंगे एक तरफा बीजेपी अरे अगर नारे देखो भैया आइए ये बीजेपी वाले जहाँ आएंगे नारेबाजी शुरू हो जाएगी हाँ सही है और क्या माहौल खराब करने के लिए जी क्या नाम है आपका मुकेश गुर्जर क्या करते हैं पढ़ाई करता हूँ खेती करता हूँ हाँ खेती किसानी के लिए क्या हुआ खेती किसानी के लिए अच्छे हुआ बताइए क्या हुआ रोड बना हमारे मांगरौन तक का रोड बना बहुत मतलब अभी पहले रोड नहीं था कांग्रेस के राज में किस चीज खेती करते हैं हम सोयाभीन दाना सब तरह के भाव अच्छे मिले बिल्कुल भाव अच्छे मिले वो तो देखो अभी डिजिटल इंडिया हो गया है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा आएगा मोदी जी ने जो बदलाव किया है तो थोड़ा हमें तो किसान लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है प्रॉब्लम मतलब जैसे कि जो खाते माते में पैसा आ रहा है ना तो उसका प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा खाते माने तो पैसा अच्छा अच्छी बात है ना हाँ तो कोई कट नहीं रहा होगा पूरा पैसा आ रहा होगा बिल्कुल पूरा पैसा आ रहा है बराबर दिक्कत क्या आ रही कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही हम तो बीजेपी सरकार चाह रहे हैं वापस हाँ ठीक है हाँ बताइए भैया क्या नाम है मेरा नाम मेरे नाना भाई के नाम जानते क्या करते हैं मैं बैटरी का काम करता हूँ बैटरी क्लासिक बैटरी के नाम से हाँ। पार्टी जुड़े हैं हाँ जी बीजेपी से बीजेपी से हमको आप देख के लगे जिस तरह के साहब एकदम जोश में थे बताइए क्या किया पिछले पाँच सालों में बीजेपी ने बहुत कुछ करा गरीबों के लिए करा ऐसे नहीं गरीबों के लिए किया किसानों के लिए मुझे गिनती बताइए क्या पाँच मुझे पाँच काम बताइए जो क्षेत्र में ममता मीना ने किया गरीबी को शांत रहिए शांत रहिए गरीबी को गरीबों के लिए उन्हें कुटिया बनाई है बीजेपी सरकार ने कुटिया बनाई है गरीबों को पक्का मकान दिए पक्की छत दे दी उनको और किसानों के लिए भावांतर के हिसाब से उसने पैसा दिया हर भावांतर दिया उसमें और लाडली लक्ष्मी योजना और सड़कें पूरी सड़कें कंप्लीट करवाई सब बीजेपी सरकार के राज में हुआ और पाँच साल में आप पाँच साल का मौका देते हैं बीजेपी सरकार को फिर देखना काम कुछ बचेगा नहीं काम कुछ काम रहेगा बाकी नहीं रहेगा पाँच साल में हो जाएगा पिछले पंद्रह साल में जो चीज़ नहीं हुई उस पाँच साल में हो जाएंगे 80% तो काम हो चुका है बाकी जो 5% 10% काम बचा है ये पाँच साल के अंदर पूरा काम हो जाएगा हाँ बिल्कुल क्या नाम है आपका विष्णु प्रसाद क्या करते हैं किसान किसान है ये कह रहे हैं कि इन्होंने किसानों को सब कुछ दिया सारा पैसा दिया मिला किसानों को कुछ नहीं दिया भावांतर मिला किसान मर गए भावांतर दिया नहीं लहसुन मारी मारी फिर रही है बापली किसानों ने कह दिया मारी पड़ रही मंडी गए वहाँ लहसुन खरीदा नहीं गए क्या है मंडी गए वहाँ लहसुन नहीं बिका आपका नहीं बिका न सोयाबीन बिकी कुछ नहीं बिका क्यों नहीं बिक रहा आप मंडी वाले क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं जनता के लिए है जी क्या क्या नाम है जनता का तखत सिंह क्या किसान है आप किसान तो आपका सामान नहीं बिका अपन विधायक को कहियो को मैं तो टाइम से अपने नहीं बिका यूरिया के लिए लाइन पे लगना पड़ रहा है हम पूछ लेंगे सवाल से तो आप मैं पकड़ लो अभी बोल दो तो मार फोटो है लो मैं तो सांप को आदमी हो कीता कीड़ी का परेशान आप आ गया हो क्या नाम है यूरिया के लिए लाइन पे लगना पड़ रहा है क्या नाम है आपका धर्मेंद्र सिंह किसान है आप किसान हूँ क्या दिक्कत आ रही है खेती में खेती की लागत बढ़ गई है कैसे ऐसे खाद महंगा हो गया डीजल महंगा हो गया ट्रैक्टर की अकाई महंगी हो गई सभी चीज़ बढ़ गई खेती की
भावांतर योजना का लाभ मिला कि नहीं? मिला लाभ, पर कम मिला, टाइम पे नहीं मिला, पैसा नहीं मिला टाइम पे। और संबल योजना की बड़ी बात हो रही, कह रहे हैं गरीबों को 200 रुपए में बिजली, बाकी सब माफ। 200 रुपए में बिजली मिल रही, मिला फायदा, मिला फायदा, पर ये बिजली दो चार दिन की है बस, इसके बाद खत्म हो जाएगी फिर। हाँ, चुनाव भर तक की है। पानी की व्यवस्था कैसी है आप लोग? पानी कुछ भी नहीं है, व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था है, भगवान बरसा देता है, कुआं पानी है, कहा की व्यवस्था है, शासन द्वारा क्या व्यवस्था है, तालाब बनाएगा, नहर बनी क्या? कोई नहर नहीं बनी, कोई तालाब नहीं बना। चूपन में यो अपना सांप को गांव को नहीं, चूपन एक ही हेडपम्प है, चमार बंगी सभी परे, भगवान सो मार परेशान आत्मा चले तो दीदी ने ठीक 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 क्या नाम भैया आपका? राम जी। क्या नाम है आपका? गैराज सिंह मीना। क्या करते हैं? किसान है। किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, पार्टी से कोई पार्टी नहीं जुड़े। मुझे कुछ किसान मिले वो कह रहे हैं कि उनको भावांतर का लाभ नहीं मिला, उनका ठीक से बिका नहीं। नहीं नहीं, तो अच्छा बिक रहे हैं, नहीं बिक अच्छा रहे, पर कोई यही है कि भावांतर से कोई फर्क नहीं पड़ो, अगर ऊंचे दाम में बिकती तो भावांतर से कोई अंतर ही नहीं पड़ता, कोई जरूरी नहीं है इस भावांतर। वो तो कह रहे हैं ऊंचा दाम तो मिले, बिक ही नहीं रहा, भावांतर तो छोड़ दीजिए। तो क्या है, 3200 बिक रही है सोयाबीन, 3200 बिक रही, अगर भावांतर नहीं होता तो वैसे ही वो 35-36-40 4000 क्विंटल बिकती। आप कहने मतलब भावांतर जरूरत नहीं थी? कोई पार्टी तो आप नहीं पाई, आप पार्टी जुड़े हुए? क्या नाम है आपका? रामेश्वर मीना। रामेश्वर मीना, आप बीजेपी जुड़े हुए? बीजेपी जुड़े हैं। क्या काम किया आपके आपके विधायक ममता मीना यहाँ पे? बहुत सारे काम किया है। बताइए क्या? मोदी सरकार ने बहुत किया है। मोदी सरकार ने बहुत किया आप लोगों के लिए? बहुत काम किया है। देखो मैं बताता हूँ खुल के, पहले कांग्रेस सरकार में अमीरों की नौकरी लगती थी, अब गरीबों की नौकरी बिना पैसे से लग रही है। मोदी क्या नहीं कर रहा है? मोदी सब कुछ कर रहे हैं, ये पब्लिक किसी की सगी नहीं है, है ना? मोदी सरकार सबसे अच्छी है, उनको वापस बनाएंगे। क्या किया बताइए, गिनती में बताइए मुझे। मोदी सरकार ने किसी को जाति से मतभेद नहीं रखा, सबको मतभेद छोड़िए आप, मुझे काम बताइए। ये जो जाति धर्म फंसा रखा है ना आप लोगों, ये बड़ी समस्या है, आप मुझे काम बताइए कि तीन बड़े काम किए। अरे काम उन्होंने बहुत किया है, बहुत, फिर भाई बहुत, गिनती बताइए। काम बता रहा हूँ ना, कितनी रोड बनवाई उन्होंने, बहुत सारी रोड़े बनवाई, इसके बाद में हजारों आदमियों को समाज को यो कुटी रही, उनको शौचालय बनाए, कुटी दी, प्रधानमंत्री योजना का मकान बनवाए, सब लोग कुटी मिली आपको? कुटी मिली? जाति पे इसका मतलब? क्या नाम है? रामी सर। क्या करते हैं? किसानी। किसानी करते हैं? किसान किस चीज़ किसानी करते हैं? क्या क्या हुआ फसल काहे की आपकी? गेहूँ चना धना सब बिका ठीक से? हाँ, सारे भाव मिले? सब भाव मिले, किसानी कोई दिक्कत नहीं मध्य प्रदेश? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम दद्दू आपका? नहीं बात करेंगे दद्दू, आप बताओ क्या नाम? आप बताओ। मैं बोलता ही नहीं हूँ। अरे बोलना सीखिए, आप लोग बोलेंगे नहीं तो बड़ी दिक्कत है, फिर नेता इसे चलता रहेगा, सब यहाँ नेतागिरी। क्या करते हैं? किसानी। किसानी? किसानी। किसानों को लाभ मिला यहाँ 15 साल सरकार से? मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कोई आपकी अपील हो, कुछ मांग हो सरकार से? नहीं कोई नहीं, बढ़िया काम चल रहे हैं, सब बढ़िया चल, सब बढ़िया चल रहा है। दद्दू का नाम आपका? आगे आओ, का नाम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं क्या करते हैं? किसानी। किसानी? किसानी करते हैं। किसानों को लाभ मिला है यहाँ पर? हाँ मिले। नहीं सब फसल का है कि आपकी फसल? धनिया चना गेहूं मक्का ज्वार। तो सब वहाँ मंडी जब गए सब बिक गया आसानी से? हाँ सब बिक गया। भावांतर योजना की बड़ी बात होती है, लाभ मिला उसका आपको? भावांतर का पैसा मिले नहीं भैया उनसे? नहीं 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 उसका नहीं, भावांतर के पैसे आते हैं ना किसानों के पास से? आते हैं, आते। अच्छा ये बताइए, 15 साल पहले दिग्विजय की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की जी, और अब शिवराज जी की सरकार है 15 सालों से, क्या अंतर है उसमें? नहीं उसमें अंतर है नहीं भैया, लक्ष्मी लाडली का लाभ है किसानों को पहला तो, दूसरा भावांतर का, तीसरा जो है यहाँ पे जो है सिंचाई के साधन भी बढ़ रहे हैं, रोड़े रोड़े जिन गांव में रोड़े नहीं थी वहाँ रोड़े भी मिल रही है, और इसलिए मतलब यहाँ विकास हुआ है। अरे बता दे भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभाशीष है। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है जी, बताइए। यहीं रहने वाले हैं जी? बिल्कुल। चाचौड़ा के जी। इधर आजिए अंकल जी। चाचौड़ा में पिछले 5 सालों में ममता मीना विधायक हैं यहाँ पे, सरकार प्रदेश में बीजेपी की है, क्या काम हुए आपको लगता है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के इलाके? देखिए मेरे ख्याल से काफ़ी सारे काम हुए हैं और किसानों के लिए बहुत सारे काम हुए, पहले जो नहीं हो रहे थे, जैसे भावांतर मिला, गैस मिली, कुटी मिली। मैं अगर जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे
मेरे पीछे जो पिछड़े वर्ग रहते थे एक भी मकान नहीं थे, सब कच्चे मकान थे, आज की कंडीशन में सभी के लिए पक्के मकान बन गए हैं। हर तरीके से व्यवस्था हुई है, मुझे जहाँ तक लगता है कांग्रेस भाजपा ने अच्छा खासा काम किया है यहाँ पे। कुछ डिमांड है यूथ की यहाँ के चाचौड़ा के विधानसभा, यहाँ का आप जैसा जो यूथ है उसकी कोई मांग है, कोई डिमांड है जो नहीं हुई पूरी हो? देखिए लगभग तो सब अच्छा हुआ है, पानी भी लगभग 50% मिला है, लेकिन दीदी से यही है कि एक बार और बने तो अच्छा, और पानी मिले जा सके किसानों को और लाभ हो, और उसके अलावा बाकी सब काम तो अच्छे हैं। रोजगार का यहाँ कैसा है? बेरोजगार बहुत है। देखिए बेरोजगारी का अगर देखा जाए वो यहाँ से नहीं है, वो ऊपर से ही है। मेरे ख्याल से कांग्रेस में भी कोई खास रोजगार मिला नहीं है। अभी तो हार गए थे, तभी तो हार गए थे ना भैया, तभी तो आप लोग हराया होगा। हाँ जी। अब इस बार अगर बीजेपी को 15 साल से जिता रहे हैं और इस बार जो आप लोग जो भी सोच रहे हैं तो कुछ सोच रहे होंगे ना दिमाग में? नहीं बिल्कुल, देखिए काम आना चाहिए। चार बार सांसद रह चुके, देखिए काम आना चाहिए वो सही है। चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामदयाल जी मीना। क्या करते हैं? खेती करता हूँ, कृषि जी। क्या करते हैं? ये जो अभी जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है लक्ष्मण सिंह, ये चार बार सांसद रह चुका, इसने कुछ नहीं किया, फालतू ये मुद्दे वो कर देते हैं, वो झूठे और पूरे नहीं करते। किसने काम किया? मैडम ने काम किया है। क्या काम किया बताइए? बहुत काम किया उन्होंने। बहुत नहीं, गिनती बताइए मुझे, एक दो तीन। बांध बनवाए, दो चार जगह डैम भी बनवाया उनने, किसानों का काम भी किया, जो रोड बनवाई है वो भी बीजेपी वालों ने ही बनवाई है। रोजगार के लिए क्या हुआ यहाँ क्षेत्र में बताइए मुझे, कि युवाओं को रोजगार मिल सके उसके लिए क्या हुआ इस क्षेत्र में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह मीना। किसी पार्टी से? बीजेपी से। लगा था मुझे इस तरह एग्रेशन से आप आए थे। क्या काम किया बताइए, रोजगार के लिए क्या काम हो क्षेत्र? रोजगार के लिए क्षेत्र में पूरी रोड बनी पूरी। रोजगार के लिए रोड नहीं बनती सर, रोड चलने के लिए बनती है। रोजगार के लिए क्या हुआ बताइए, कोई इंडस्ट्री आई यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिल सके, क्या हुआ उसके लिए बताइए? इंडस्ट्री तो नहीं है। इंडस्ट्री नहीं आई, मतलब आपकी सरकार यहाँ पे 15 सालों से है, 5 साल से आपके विधायक हैं यहाँ पे, उन्होंने रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की क्षेत्र के युवाओं के लिए? क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करी उन्होंने। फिर भाई पानी की व्यवस्था, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, युवाओं के लिए बात कर रहा हूँ। आप रोड पर चले जा रहे हैं, पानी पर चले जा रहे हैं। नहीं तो बोलो, रोजगार तो कोई पार्टी नहीं कर रही, कांग्रेस रोजगार नहीं कर रहा सर, तभी तो हारे हैं ना 15 साल वो। अब बीजेपी से सवाल किए जाएंगे, 50 साल राज कर लिया ने उन्होंने, तभी तो हराया आप लोगों ने, रोजगार नहीं मिला किसानों को, तभी तो हराया आप लोगों ने। हाँ रोजगार इसीलिए तो हराया ना। हाँ इसीलिए। क्यों हराया? क्योंकि रोजगार नहीं दे रहे थे, सड़क नहीं बनी थी, बिजली नहीं आई थी। रोजगार तो झूठे मुद्दे अभी नहीं दे पाएंगे वो अभी भी रोजगार तो सर दे नहीं पाएंगे, वो तो आप लोग का फैसला होगा किसको वोट देंगे। रोजगार तो पढ़ाई से लगता है, रोजगार तो अगर अपन जितनी पढ़ाई करेंगे उतना उसी हिसाब से रोजगार मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा। तो रोजगार विधायक, कोई विधायक किसी को रोजगार नहीं दिलाता है, कैसे? सरकार तो दिलाती है ना, सरकार दिलाती तो वो आगे से वहाँ की वैकेंसी निकलेगी, तभी तो जाके जॉब मिलेगा हम लोगों को। हाँ आप लोगों का कहना है कि युवा ही बेकार है, युवा ही पढ़ने, आप ही कह रहे हैं ना पढ़ लिख नहीं रहे, युवा ही पढ़ने, यूथ में ही दिक्कत है, यूथ में नौकरियाँ खूब है, नौकरियाँ तो खूब है, जिन जो लग रहे आज भी लग रहे हैं नौकरियाँ तो, लेकिन हम लोगों में कमी है जो हम पढ़ नहीं रहे। आप भी आगे यूथ दिख रहे हैं, क्या नाम है आपका? रवि मीना। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। ये कह रहे हैं आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है, यहाँ के लोग ही लब लड़के ही लायक नहीं, नौकरियां तो बहुत है। हाँ ऐसा है, नहीं तो लोग कुछ लोग पढ़ भी नहीं पाते और कुछ पढ़ रहे तो उनकी लग भी नहीं रही। यहाँ पे कॉलेज कौन सा है सरकारी? पीजी कॉलेज। हाँ उसके अलावा कोई कॉलेज खुला है यहाँ पे पीजी के अलावा? इंजीनियरिंग कृषि नहीं, एक ये मालवा कॉलेज है प्राइवेट। हाँ सरकारी से एक कॉलेज है पीजी कॉलेज। हाँ हाँ उसके बाद अच्छा रोजगार के लिए यहाँ कुछ व्यवस्थाएं की गई आप लोग के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपके? मेरा नाम रामेश्वर मीना है। क्या करते हैं? मैं सर खेती करता हूँ। पार्टी जुड़े हैं? नहीं अपनी कोई पार्टी मार्टी, हम तो किसान है। किसान है? हाँ कुछ किसानों ने मुझसे कहा कि नहीं हमको सब मिला, सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, भावांतर के तहत लाभ भी मिला है। हाँ मिला है ना। आप बताइए अपना अपना आपका क्या ख्याल है? नहीं मेरा ख्याल से ये पार्टी अच्छी है, बीजेपी सरकार आना चाहिए, यहाँ से भाजपा के विधायक फिर से दूसरी बार बनेगी यहाँ से, और शिवराज सिंह की सरकार बनेगी। मतलब मैं किसान के हित में अच्छा काम किया है, और 10 साल यहाँ से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहा, यहाँ कुछ नहीं किया उसने, या कोई तालाब नहीं बनवाया उसने, कोई फैक्ट्री नहीं बनवाई है, पूरा कार उसी के यहाँ ले गया, वो पूरी फैक्ट्री उसी के एरिया में, या कोई उसने रोजगार कोई साधन नहीं दिया साहब। आपके लक्ष्मण सिंह यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को भरोसा जगता है वो कुछ करेंगे कि ममता मीन करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, जब जो 10 साल यहाँ से सीएम रहा है उसकी होती है, उसने कुछ नहीं किया है तो एक विधायक क्या कर लेगा? उसके बड़े भाई ने कुछ नहीं किया, उस जो यहाँ चाचौड़ा क्षेत्र से उसको मुख्यमंत्री बना वो पहली बार, और यहाँ से उसने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगा? अब तो उसकी सत्ता डूब गई है, और ना वो दोबारा राजनीति में कभी आ सकता, उसको कोई एक मेंबर का वोट मेंबर तक नहीं मर सकता यहाँ से चाचौड़ा से, उसका पट्टा साफ है बिल्कुल। क्या नाम भैया आपका? राजकुमार मीना। क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं कहाँ पे?
यहाँ महाविद्यालय में। महाविद्यालय, इसके बाद कुछ और पढ़ाई करने इरादा है? नहीं, आर्मी की तैयारी कर रहा है। आर्मी की तैयारी? हाँ सर। ये बताइए रोजगार के लिए यहाँ पे क्या हुआ आपके विधायक? कुछ भी नहीं हुआ रोजगार के लिए, कुछ भी नहीं हुआ रोजगार के लिए, इसीलिए आपको आर्मी की तैयारी करनी पड़ी। हाँ। और आपके पिताजी क्या करते हैं? किसानी करते हैं, किसानी खेती बाड़ी। और क्या? खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। आपको उनकी किसानी खेती बाड़ी जानकारी है? कैसे मतलब? मतलब कि उनको कुछ लाभ मिला किसान होने के नाते, उनको भाव मिले जो बेचा उन्होंने सामान? खेती बाड़ी में कुछ लाभ मिलेगा? कुछ लाभ नहीं मिले, खेती बाड़ी में भाव बता वो घट गया। गाय का भाव घट गया? सोयाबीन का ऐसे कुछ मिलता है वो भी। कितना भाव मिलता है? कितना भाव मिलता है? 3200 बिक रही है अभी तो। कितने चाहिए? चार पाँच तक मिलती है, इतनी हमको कम मिलती है, भाव में लेते हैं। चलिए ये थे चाचा ओड़ा के मुद्दे। लोगों ने, कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नाराज़गी है, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, कुछ लोग कुछ शिकायतें भी हैं। लक्ष्मण सिंह इस बार यहाँ से लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह के भाई, और सामने हैं ममता मीना, जिनको एक दबंग विधायक की ख्याति प्राप्त था। उनको कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ, हालांकि उनका दावा है कि वो उनका नहीं है। तो लोग क्या फैसला करेंगे 11 तारीख को पता चलेगा। 11 दिसंबर का इंतजार करिए और ऐसे ही लल्लन टॉप के साथ बने रहिए। हम आपको लगातार हर विधानसभा के जो बड़ी विधानसभा वहाँ जाते रहेंगे, आपको उनकी जानकारी देते रहेंगे। मैं हूं सौरभ, कैमरे के पीछे मेरे साथ विभव। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।